हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी कर दी है। हालांकि इसका अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन यहाँ पर जो शॉर्ट विज्ञप्ति आती है वो यहाँ पर आ चुका है। और इसकी जो विज्ञप्ति आएगी डिटेल्ड, वो 16 तारीख को आएगी। कल को इसकी विज्ञप्ति आएगी, हो सकता है रात को ही आज अपलोड कर दी जाए। अभी फिलहाल जो है इसके एक जो सामान्य जो छोटी विज्ञप्ति होती है वो यहाँ पर जारी की है, जानकारी आपको दी है। तो यहाँ पर आपको सूचित किया जाता है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जो किस्म आई है और किस पद के लिए और किस विभाग में रहने वाली है वो जान लेते हैं। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग में ये रहने वाली है। इसके अंतर्गत औषधि निरीक्षक की ये भर्ती है, ग्रेड 2 की, ठीक है। समूह ग के अंतर्गत इसमें 19 पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी होगी, ठीक है। इसकी सीधी भर्ती के माध्यम से चयन के लिए इसमें विज्ञापन आने वाला है 16 सितंबर 2023 को, ठीक है। तो इसमें आपको बता दूं, उक्त विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों से प्रश्नगत पदों हेतु 16 सितंबर 2023 से लेकर के 6 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन की यहां पर डेट रखी गई है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें 16 सितंबर से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वो कल को आएगा, और इसमें देखिए 6 अक्टूबर तक आप इसको फॉर्म को भर पाएंगे। और उसी के अलावा आपने ईओ का फॉर्म भर दिया होगा, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 तारीख को है, 18 सितंबर। तो उससे पहले जो है आप इस फॉर्म को भी भर लेना है और फीस वगैरह सब सबमिट कर लेनी है। बाद में आपको कुछ दिन के बाद एडिट का भी ऑप्शन मिल जाता है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर बता दूं दोस्तों, इस परीक्षा के लिए जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आयोग की वेबसाइट पर जाकर के आप क्या करेंगे, जो विस्तृत विज्ञापन है, ठीक है, उसमें सभी दिशा निर्देश वगैरह की भली भांति आप जो है अवलोकन कर लेंगे। क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें, कितनी एज लिमिट रखी गई है और क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट से है, ठीक है, वो सारे, और पदों की संख्या वगैरह, और ये सारी जो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है वो सारी चीज़ें डिटेल्ड जो आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये जानकारी आप लोगों के लिए है। कल को ये फॉर्म आएंगे, ये भर्ती आएगी। 19 पद केवल है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं साथियों। बाकी क्या कितनी इसमें कितनी फीस रखी गई है और क्या एज लिमिट इसमें रखी गई है, क्या सबसे मुख्य जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या रखी गई है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सारी जब डिटेल विज्ञप्ति इसकी आएगी उसमें पता चलेगा, ठीक है। इसमें इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, हमारे साथ बने रहने के लिए।